Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And aaj ka jo topic hone wala hai about tarot is going to be what is their current feeling about you, right? So ye bahut requested topic tha where I got a lot of messages and I said why not, let's do it. So whoever the person is there on your mind, this reading is going to be there about them. उनके क्या thoughts हैं आपको लेके, क्या intentions हैं और क्या next move उनका होने वाला है, ये मैं आप लोगों के लिए देखूंगी. And I will be also seeing some special messages from them for you. Alright, so चलिए आज की reading हम start करते हैं. And you today have to choose the crystal you are attracted to and the deck, tarot deck you are attracted to, because आपकी reading उसी specific deck से मैं करूंगी. So close your eyes and connect to the energies. जो भी person आपके mind में उनके बारे में सोचे, please think about God, you know, connect to the divine source, to the higher consciousness and allow them to give you the guidance. Receive it gracefully with a lot of gratitude and you know, let's go, let's begin with your reading. Group number one, hello and welcome to your reading. If you chose this group because of this crystal or you got attracted to this deck, well, this is your reading. Let's get started and find out ke aapko bhagwan kya batana chahte hai, right? So when I was putting this group together, you know, it was telling me about this person of yours that aap you know, इस पर्सन के लिए जो फील करते हो, इस पर्सन के जो इमोशंस आपके लिए है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड येट इट इज डीप. यू नो, एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा आपका इस पर्सन के साथ. व्हेन आई से स्पिरिचुअल कनेक्ट, दैट मीन्स दैट यू नो, कुछ एक अंडरलाइंग टोन होगी इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की. इट्स नॉट जस्ट सुपरफिशियल. यू मस्ट बी फीलिंग कि देर इज समथिंग अबव अस दैट इज गाइडिंग अस, देर इज समथिंग अबव अस दैट इज पुलिंग अस. एक अजीब तरीके की कशिश या पुल आपको फील होता होगा इस कनेक्शन में, वो मुझे दिखाया जा रहा है. बट कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर, यू नो, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई कुड फील यू नो व्हाइल आई वॉज पिकिंग अप दिस ग्रुप. लेट्स सी बाकी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं. All right, so please give me messages for group number one, person on their mind. Oh my God, look at that, look at that card, my, my. So it says falling in love or the resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on the people you love. So इस ग्रुप को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आपका मास्टर कार्ड ही निकल कर जो आया है उसी में मुझे डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है. सो इट्स लाइक आई वॉज टेलिंग यू दैट ये कनेक्शन में कॉम्प्लिकेशन जरूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यू नो, अलग हो जाना, एक साथ होकर साथ नहीं आ पाना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर. लेकिन इट इज बींग गाइडेड बाय गॉड, यू नो, बाय एंजल्स. और आपको बार बार साइंस दिए जाते हैं, आपको बार बार यू नो, आपको उस पाथ पे लाया जाता है जैसे आप हट जाते होगे. सो यू मस्ट बी फीलिंग लाइक यू नो, ये चीज जो है एक यू नो, चलती जा रही है, ये नेवर एंडिंग स्टोरी हो गई है. पर आपको बोला जा रहा है डोंट गिव अप ऑन द पीपल यू लव. सो सम पीपल योर आर यू नो प्लानिंग टू गिव अप, और या फिर बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो गई है चीज, आपको समझ नहीं आ रहा है. तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव अप, बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये एक बहुत डिवाइन कनेक्शन है. यस, चीजें हैं पाथ में, बट मुझे बहुत पाथ क्लियर होता हुआ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. बिकॉज अब जो करेंगे वो भगवान करेंगे, वो यू नो गॉड से, गॉड की इंटरवेंशन से होगा आप लोगों की लाइफ के अंदर, राइट. एंड कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी सुनने की जरूरत है दैट यू नो, यू नीड टू फॉरगिव पीपल इन योर लाइफ. अपनी ईगो रख के मत बैठो लाइफ के अंदर, या फिर अगर यू नो एक चीज है जिसने आपको जकड़ा हुआ है, आपको पकड़ा हुआ है, एंड उस चीज की वजह से आपको यू नो बहुत आपको जैसे टाइड अप फील होता है. सो यू हैव टू रिलीज एंड फ्री योरसेल्फ. मुझे रिलीज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर. एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है दैट जो बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में रह चुके हैं,
सो नाउ स्पिरिट इज टेलिंग यू यू विल फॉल इन टू लव विद द राइट पर्सन, राइट? आपके लिए जो आपका डेस्टिन पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आएंगे एंड यू विल हैव द रोमांटिक रिलेशनशिप. कुछ लोग गिव अप कर चुके हैं लव के ऊपर, उनके लिए खास करके मैसेजेस दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव अप. वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग बिकॉज नाउ वंस यू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, जब आप अपनी फुल पावर में होंगे, यू विल कनेक्ट टू द यू नो डिवाइन फेमिनिन और द डिवाइन मैस्कुलिन जो आपके लिए बने हैं, योर परफेक्ट मैच, योर इक्वल, यू नो उनसे आप कनेक्ट करेंगे. ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज. Wow, you have the King of Cups. My, my. All right. Nine of Pentacles. Aapki reading is exceptional. My God. Three of Swords. Okay. Five of Wands. All right, Page of Pentacles, bottom of the deck. I will be picking up the cards and फिर मैं आपको बताऊंगी. Oh, look, even before I could shuffle, it says twin flame stages. So group number one, my, my. आप में से बहुत लोग यहाँ पर अपने जिन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, पूछ रहे हो, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं. ओके, और यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी है, यहाँ पे सोलमेट भी है, मतलब एक हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन आपका चल रहा है, मेरे को यहाँ पर दिखाया जा रहा है. ओके, गॉड आपके लिए जैसे, ओ माई गॉड, आई विल शो यू, वेट, यू हैव द मैरिज, इंफैटुएशन, answers arriving and reaching conclusion. Wow, my God, मतलब मैं मुझे इतनी चीजें नहीं पिक करनी थी, बट वो यू नो कार्ड्स खुद ब खुद इतने सारे आपके लिए गिरे. सो आपको गाइडेंस बहुत है, स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत सारे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको साइंस भेजते हैं, आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं, आपको मैसेजेस दिए जाते हैं बार बार, आपको आप जैसे अपने पाथ से हटते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट? आपको पता है कि आपका कोई सोलमेट है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप थक गए हो और आप बीच में एकदम से बोलते हो कि यू नो व्हाट, आई विल नॉट डू इट एनीमोर, मैं छोड़ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, या मेरे को और नहीं करना है, जो होगा आ जाएगा. वैसे जैसे आप क्विट करने के बारे में सोचते हो, आपको इमीजिएटली मैसेजेस आते हैं कि नहीं, स्टे ऑन योर पाथ, वेट, देयर इज समथिंग गुड कमिंग फॉर यू, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, और मेडिटेशन करो और पूजा करो. सो आप जब गिव अप कर चुके हो उसके बाद आपको ये मैसेजेस मिलते होंगे और आपको गिव अप नहीं करने देते होंगे, इस तरीके की चीजें भी दिख रही है यहाँ पर, राइट? एंड जो ग्रुप नंबर वन को देख रहे हैं लोग, आप दोनों का जो कनेक्शन है, देर इज वेरी डीप लव योर, ओके, मतलब कुछ बहुत डीप लव है, एक विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर कि जैसे आप एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, आप यू आर द राइट पार्टनर्स फॉर ईच अदर. यहाँ पर एज गैप भी मेरे को जैसे दिखाया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों की इमीडिएट जो फैमिलीज होंगी या इमीडिएटली जो एकदम जो आसपास के लोग होंगे वो कोई खुश नहीं होगा इस कनेक्शन से. कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है जो इंटरफेरेंस कर रही है, जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है बीच में, एंड उस वजह से जो आपका कनेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है. मेजॉरिटी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है और आप कुछ हर्ट भी हुए उस चीज को लेकर, आपको कुछ बोला गया है, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे वर्बल फाइट भी दिखाई जा रही है, जैसे फेस टू फेस वर्बली भी हुई हो या फिर आप लोगों की इंटरनल हुई हो, व्हाटएवर, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ यू नो कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, राइट? लेकिन आपको क्विट नहीं करवाया जा रहा, आपको बार बार मेरे को जैसे दिखा रहे हैं यू विल बी गाइडेड. यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिज तक पहुंचेंगे, बहुत जो यू नो बिकॉज इट्स मोर टूवर्ड्स आई कैन सी इट्स अ लव रीडिंग योर, राइट? सो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो रियल जर्नीज पर है वो मैरिज तक पहुंचेंगे, राइट?
बिकॉज उनके लिए आंसर्स आर अराइविंग, मतलब कंक्लूजन्स आने वाले हैं. आप उस ऑलरेडी उस जर्नी में हो जहाँ पर आप बस जर्नी के एंड पर यू नो यू आर अबाउट टू रीच, क्योंकि आपके स्टेजेस जो है वो खत्म हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं. मतलब कुछ बहुत क्विक चीजें होने वाली हैं आपकी जिंदगी में. दैट इज व्हाट आई कैन सी, राइट. चलिए देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट मोर इन्फॉर्मेशन वी गेट अबाउट यू नो द पर्सन ऑन योर माइंड. Wow, yin and yang. Oh my god. I think I should just conclude the reading here itself. The temple path. देखो आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है ना, जो कुछ स्पेशली इस कनेक्शन में भी चल रहा है, वो आप लोग नहीं डायरेक्ट कर रहे हो, वो भगवान से ही, कुछ हायर पावर्स ही उसको चला रहे हैं आप लोगों के लिए, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, एंड इट इज नॉट इन योर हैंड्स. तो कहीं आप सोचने बैठो ना कि हमारे करने से क्यों कुछ नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है. It is not in your hands. This is a divine connection. You guys just need to keep your energies into balance, okay? And आप लोगों को surrender करना है. Surrender is your last key. जब आप surrender करके energy clear करोगे ना, पूरी energy clearance, तब जाके जब cord cutting करोगे, energy clear करोगे, ऑटोमेटिकली दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ और आपको दिखेगा चीजें ठीक होने लग गई. आपको भागना नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है. जस्ट अट्रैक्ट, बहुत बहुत आराम से, बहुत एक ब्यूटीफुल तरीके से अट्रैक्ट करो, क्योंकि मेरे को बहुतों के लिए यहाँ पे मैरिज दिख रहा है आपके लिए, ओके, इस पर्सन के साथ. एंड यस, आपको बोला जा रहा है अगर आप चक्रा बैलेंसिंग नहीं करते हो, अपने चक्रास को बैलेंस करो. आप लोगों को नंबर 222, 222 या फिर 2222 बहुत दिखेगा, ओके. एंड ये आपके लिए साइंस है, उस मैसेज को फॉलो करो, ओके, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार बताना चाह रहे. ओ माय गॉड, लुक एट दैट, वर्थ वेटिंग फॉर. व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू से. सो ग्रुप नंबर वन, आप जो यू नो जिन लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, आप लोगों को काफी कुछ पता है ऑलरेडी, लेकिन आप थक गए हो अपनी जर्नीज में, यू नो यू आर टायर्ड, एंड कहीं ना कहीं अब बहुत सरियल लगता होगा. ऐसे लगता होगा कि अरे यार ये सच में हो सकता है या नहीं, हम तो थक गए, कब होएगा, यू नो इस तरीके की चीजें. आपको बोला जा रहा है डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ. मुझे आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग दिख रही है, आ गई है. एंड आपके जो काम है वो यहाँ पर बनने वाले हैं. अब ऑटोमेटिकली आप खुद देखोगे मिराक्यूलसली कैसे काम बनेंगे. यू जस्ट नीड टू स्टे इन योर हाइएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी. अपने आप को डाउन नहीं करवाना है, क्योंकि एकदम अलाइनमेंट ऑफ नहीं करवाना है. वो अगर आपको कोई भी लगता ना, मेरे अंदर ये वूंड है, मेरे अंदर ये ट्रॉमा है, या मेरे को कुछ भी यू नो एक चीज मेरे अंदर है जो आपको डाउट करवा रही है, उस एनर्जी में मत घुसना. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. बाकी सब आपके लिए खुद होगा, यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है, ओके. इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर, आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, कि आप लोग जो देख रहे हो यू नो बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए. सो प्लीज स्टे अलाइंड टू द बेस्ट एनर्जीज एंड बिलीव, हैव फेथ, ओके. क्योंकि आई एम टेलिंग यू मिरेकल्स होते हैं. भगवान को जब काम बनाने होते हैं ना, तो वो मिराक्यूलसली काम बनाते हैं आपके, ओके. वाह, यू हैव शाइन, दैट इज गॉर्जियस. सो इट इज योर टाइम टू शाइन, ओके. ये आपका टाइम है, मुझे दिखाया जा रहा है. मूव, लुक, एंड अगेन एक बंधन में बंधना. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शादी इंडिकेटेड है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज दिख रही है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर आप काफी टाइम से हील कर रहे हो अपने आपको, काफी टाइम से अपनी एनर्जीज पे वर्क कर रहे हो, वो जर्नी आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है. और मेरे को आप मेजोरिटी ऑफ ग्रुप नंबर वन, यू आई एम सीइंग मैरिजेस ऑन द कार्ड्स फॉर यू, राइट. एंड इस पर्सन के बारे में भी जो आप पूछ रहे हो, बहुत लोगों की यहाँ पर मैरिज होने वाली है, रिलेशनशिप बनने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाली है, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है. एंड बहुत स्पिरिचुअली बेस्ड होगा, तो इसलिए आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, ये खुद होगा, यू नो दैट इज व्हाट दे आर शोइंग मी योर टाइम एंड अगेन. वाओ, look at the card, okay. It's a man who's kissing a woman very, very passionately, okay.
सो यस, इनके भी जो इंटेंशन है, मुझे कुछ दिख रहा है ये कनेक्शन किसी थर्ड पार्टी की वजह से खराब हो गया, किसी थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो गया, किसी सिचुएशन की वजह से खराब हो गया, बट कुछ और आउटर इन्फ्लुएंस या कुछ इस तरीके की चीज है जिसकी वजह से कुछ अनबर्न प्रॉब्लम्स आई हैं। अदरवाइज आप यू बोथ आर, मतलब आप दोनों का जो पुल है वो बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इट इज डिवाइन, राइट। और इनके, इनको आपके लिए क्या है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, राइट। इनको आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, जैसा आप, आपको यू नो, आपको जो फील होता है इनको भी होता है, इट्स अ वेरी म्यूचुअल थिंग दैट इज देयर बिटवीन द बोथ ऑफ यू, राइट। लेकिन समथिंग आउटसाइड इज देयर दैट इज कॉजिंग हिंड्रेंसेज, बट देन अगेन आपको बोला जा रहा है यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग, गॉड विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड इन योर अलाइनमेंट। लेकिन इनके इंटेंशन आपके टूवर्ड्स मुझे बहुत यू नो, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना, आपसे शादी करना, आपके साथ आगे बढ़ना लाइफ के अंदर, यू नो, आप इट्स लाइक दैट, गेटिंग टू नो यू मोर, गेटिंग अट्रैक्टेड यू फॉर नो रीजन, उनको पता नहीं क्यों क्या यू नो ऐसा है, लेकिन वो खिंचे चले आना, उस टाइप की चीजें दिख रही है। ओके, सो लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर नेक्स्ट मूव इन दिस कनेक्शन। Wisdom, okay. Destiny, that's what I've been telling you, right? Okay, third eye chakra. Optimism, आपको बोला जा रहा है please stay optimistic. बिकॉज यू नीड टू नो दैट, अच्छा आपको लैक कॉन्शियसनेस में बिल्कुल नहीं रहना है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, अभी तो मेरे को दिख नहीं रहा है, ये पर्सन तो किसी और के साथ है, या ये है या वो है, या मेरे पास नहीं है, या ये तो प्रॉब्लम हो चुकी है, अब कैसे ठीक होगा, नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना है, लीव इट टू गॉड, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट कुछ रियलाइजेशन इस पर्सन को खुद होगी, सारा जो वर्क होगा वो डेस्टिनी खुद करेगी, वो भगवान खुद करेंगे, आपको क्या करना है, सी लाइक आई एम जस्ट शफलिंग कार्ड्स, अभी मैं ले भी नहीं रही हूँ, बट ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, आपको सिर्फ अट्रैक्ट करना है, और अट्रैक्ट आप अपनी बहुत एक ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रह के कर सकते हो, यू नो वेयर यू आर सिटिंग, यू बिलीव, यू हैव फेथ इन द यूनिवर्स, यू आर नॉट यू नो, यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, यू आर नॉट डूइंग, यू डोंट हैव अटैचमेंट्स टू क्या होने वाला है, इसका एक्शन क्या होने वाला है, इसका क्या कंक्लूजन होगा, जस्ट रिलैक्स, लीव एवरीथिंग, लेट गो एंड जस्ट ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर सेल्फ। जितना ये देखो, सी आपके सामने कार्ड्स गिरे हैं, मैंने उठाया भी नहीं, इट्स द सन हियर एंड जस्टिस, ओके, आप अपने अंदर बैलेंस रिस्टोर करो, बिकॉज दिस इज योर स्पिरिचुअल पार्टनर, लुक मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे मैसेजेस देखो क्या आ रहे हैं, राइट, बिकॉज दिस इज योर स्पिरिचुअल पार्टनर, वो खुद ब खुद बैलेंस में आ जाएंगे, आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। इस ग्रुप को बहुत ट्विन फ्लेम्स ने ज्वाइन किया, लेट मी टेल यू दैट, ट्विन फ्लेम्स एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, ओके, द मोमेंट आपको एक स्टेप मुझे दिख रहा है, द मोमेंट यू रिलीज एंड यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ ब्यूटिफुली विद कॉन्फिडेंस विद ग्रेस, यू नो, जब आप वो चीजें करना शुरू कर दोगे जो आपको खुशी देता है, विदाउट थिंकिंग इसका इससे क्या होने वाला है, उससे क्या होने वाला है, बिल्कुल अपनी लाइफ अपने ऊपर फोकस ले आओ, राइट, अपने आप को जब आप बैलेंस में ले आओगे ना, दैट इज द टाइम ये पर्सन खुद ब खुद आपके टूवर्ड्स आ जाएगा, और ये पर्सन खुद बैलेंस में आ जाएगा, बिकॉज ये आपका ही काउंटर पार्ट है, राइट, सो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक पुल होने वाला है, एक काउंटर इफेक्ट होने वाला है इस चीज का, एंड ये भी बैलेंस में आ जाएंगे, सो डू दैट, ओके। आई फील लाइक यू मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, इज देयर मैसेज टू यू, ओके, Sometimes I wish I never met you. So yes, problems तो कुछ रही है यहाँ पर, and इस person को लगता है like, you know, जैसे आप लोगों की पहले बात होती थी या पहले आप express करते थे और अब आप नहीं कर रहे हो, अब आप नहीं बता रहे हो, so इस person को लग रहा है कि कहीं आपने move on तो नहीं कर लिया, कहीं आपने छोड़ तो नहीं दिया, और इनको भी connection इतना you know, थोड़ा complicated scene लगता है आपके साथ, तो इनको लगता है कि it's better अगर हम मिलते ही नहीं, right? I will never love you another like I love you. So see, इनको भी आपके साथ जो connection feel होता है, that you know, एक बहुत unique connection feel होता है जो इनको कभी और कहीं और नहीं मिलता है, right? So it's a very, of course we know why and how it is happening, but you know, the message and the guidance I'm getting for you is that don't worry, everything, it's a very very positive reading,
राइट एंड आई एम टेलिंग यू दिस, आई डू अ लॉट ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग्स. ऐसी रीडिंग्स आना बहुत रेयर है, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. स्टे अलाइंड, हैव फेथ एंड अपना काम पूरा रखो एंड देन रेस्ट भगवान पे छोड़ दो. राइट, अगर भगवान को नहीं कुछ देना होता ना तो वो इन द फर्स्ट प्लेस आपसे ये सब कराते ही नहीं, आपको ये सब बोलते नहीं. ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, इनका जो यू नो मेन मोटिव होता है ना, वो हमारी सोल की ग्रोथ करवाना होता है. बिकॉज आप उसी चीज़ के लिए तो यू नो काम करोगे जो आपको चाहिए, जो आपको बहुत डेस्परेटली लाइफ में चाहिए. अगर आपको नहीं चाहिए, आप व्हाई विल यू वर्क फॉर इट, राइट? सो बिकॉज यू वांट लव इन योर लाइफ, बिकॉज यू वांट मैरिज इन योर लाइफ, बिकॉज यू वांट अ वेरी गुड पार्टनर, अ वेरी स्टेबल इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप इन योर लाइफ, उसके थ्रू भगवान आपकी सोल की ग्रोथ करवाएंगे. और उस जब वो ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, जब वो डिवाइन टाइम आ जाएगा, आपका यूनियन भी करा दिया जाएगा. सो डोंट लूज द फेथ, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर कि ये सब हो क्यों रहा है और ये क्यों कराया जा रहा है. जब आप वो समझ के उस चीज पे फोकस करके वर्क करोगे, आपको अपना पर्पस फॉलो करना है लाइफ के अंदर, राइट? एंड आपको ये करते करते अपनी सोल की, आपकी जो ग्रोथ है, आपको हील करना है उन ट्रॉमास से जो आपके लिए लेसन के तौर पे दिए गए थे. आपकी सोल ग्रो हो गई, आपको विजडम मिल गई, लेकिन अब उस फिजिकल पेन को आपको रिलीज करना है, लेट गो करना है. अगर आप उस चीज को पकड़ के रखोगे, जैसे आपको हुआ है कुछ आपके आपके लाइफ में, पास्ट में भी मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे ऐसी चीजें हुई है जहां पर आपको आपका दिल बहुत दुखाया गया है, आपको बहुत परेशान किया गया, आपकी बहुत ऐसी सिचुएशंस में आप रहे हो जो आप नहीं रहना चाहते थे, लेकिन आपको बहुत दर्द मिला. लेकिन अगर आप उस दर्द को पकड़ के रखोगे, सो नोबडी हैज द स्पेस टू नाउ एंटर योर हार्ट, राइट? एंड स्टे देयर, बिकॉज वो अभी भी आप वूंडेड हो. अगर वूंडेड रहोगे, इफ यू चूज टू बी वूंडेड, यू विल बी वूंडेड फॉर एवर. बट नाउ दे आर आस्किंग यू टू हील एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, बिकॉज आप वही चीज अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में जो आप खुद हो, जो आप चाहते हो. हम वो नहीं अट्रैक्ट करते कभी भी लाइफ में, हम वो चीज अट्रैक्ट करते जो हम खुद होते हैं. तो अगर आप हील्ड हो, देन ओनली यू विल अट्रैक्ट अ हील्ड रिलेशनशिप. इफ यू आर ब्रोकन, यू विल अट्रैक्ट ब्रोकन पीपल इनटू योर लाइफ, राइट? एंड आप इतने आगे आ गए अपनी जर्नी के अंदर, इतनी आपकी सोल की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है. सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप एट ऑल, राइट? नाउ इज द टाइम टू सरेंडर एंड एंजॉय योर लाइफ. एंड इन दैट फ्लो, ये बीच में ही वो पर्सन आपको फ्लो में मिल जाएगा, बीच में ही आपकी लाइफ में चीजें आ जाएंगी. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ. आप लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक चैनल मैसेज आ रहा था, यू हैव टू ईट हेल्दी. आप अपनी वाइब्रेशंस रेज करो, आपको हेल्दी खाना है. यहाँ पर फिटनेस का भी मैसेज आ रहा है, आपको फिट होना है. ओके, वर्क टूवर्ड्स दिस थिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे बार बार जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी और मूव होने की जरूरत है, राइट? आपको ऑरा अपना और स्ट्रेंथन करना, आपको एनर्जी और मूव करवाने, इसलिए बैलेंस का भी कार्ड आया था. सो एनर्जी बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो गो अहेड, अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ. सिर्फ सुन के जाना नहीं है, इस चीज को अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ के अंदर. ओके, यस, सो दैट वॉज यू रीडिंग ग्रुप नंबर वन. कैसी लगे मुझे जरूर बताना. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू हैव योर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, दोज आर ऑल्सो ओपन. यू कैन बुक अ प्राइवेट पर्सनल सेशन विद मी. आई डू हेल्प विद गाइडेंस एंड रेमेडीज एज वेल. अगर आपको लगता है कोई ऑब्स्टिकल है, आप कहीं अटके हुए हो, तो मैं उस चीज की स्पिरिचुअल रेमेडीज भी देती हूँ, जिससे कि आप उसको क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ के अंदर. एंड यू कैन कंटिन्यू लिविंग ब्यूटिफुली एंड विद ऑल द ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन this time. I love you all so very much. I will see you in my next one. Group number two. Hello and welcome to your reading. If you chose this because of this crystal or these deck of cards, so this is your reading. Let's get started and find out the person on your mind. What do they think about you? What do they feel about you? What are their intentions and what is their next action for you? So, ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, दैट जो पर्सन आपके माइंड में है इज अ वेरी यूनिक पर्सन. और इनमें कोई एक ऐसी क्वालिटी होगी जो बहुत वाइब्रेंट है, जो बहुत स्टैंड आउट होती है. ओके, नाउ दिस कुड बी देयर लुक्स, दिस कुड बी देयर फिजिकल अपीयरेंस, दिस कुड बी कोई इनकी साइकिक एबिलिटी, कोई गिफ्ट है इनको, कोई ऐसा टैलेंट है, या इनकी आवाज, या समथिंग दे डू, कुछ इनकी कोई ऐसी कला है, कोई इनका कुछ ऐसी चीज है, यू नो इनकी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, या जिस तरीके से ये लोगों से बात करते हैं, या कुछ यू नो सोसाइटी में जाके हेल्प करना. आई डोंट नो, देयर इज समथिंग जो एक जैसे कोई
यू नो हीरो की एनर्जी जो होती है, यू नो उस टाइप की कोई एनर्जी इनमें दिखाई जा रही है, दैट कोई स्टार एनर्जी जिसको जिसके लिए इनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर दिस पर्सन. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग एंड सी कि आपका मास्टर कार्ड यहाँ पर क्या है. ओके ओके ओके. सो ये जो पर्सन है मेरे को ऐसे दिखाया जा रहा है कि इनका इनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है. ये नॉर्मल लोगों की तरह सोचते नहीं है, उनकी तरह जिंदगी नहीं जीते हैं, बहुत एक अलग डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट लाइफस्टाइल रखते हैं, इस तरीके की चीज आई कैन फील इट हियर. राइट, लेट्स सी व्हाट्स योर मास्टर कार्ड. ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स निकले, आई विल बी टेकिंग देम. यू हैव द एम्प्रेस, वाओ. ओके, सो टाइम टू टेक एक्शन. द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी, एंड यू हैव नाइन ऑफ ऑटम हियर. ओके, रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन. ओके, सो यहाँ पर जिन लोगों ने ग्रुप टू को ज्वाइन किया है, मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है, दैट आप लोग भी जो हो ना, यू गाइज आर ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी बोल्ड, वेरी वाइब्रेंट पीपल. आप लोगों की एक बहुत पावर एनर्जी है, दोनों की बहुत पावर एनर्जीज है, राइट. एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यू बोथ आर यू नो ऑन योर ओन पाथ, डूइंग योर ओन थिंग्स, जैसे यू नो अपना कुछ करना, इंडिविजुअली स्टैंड आउट करना चीज़ों को. मुझे बार बार, मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आपको कुछ टैलेंट दिखाया जा रहा है. समबडी, वन पर्सन योर डज समथिंग जिसके लिए उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, राइट. लेकिन दोनों ही अपनी धुन में रहते हैं, दोनों ही अपनी चीज़ें करते हैं. ओके, एंड यहाँ पर आप में से कुछ यहाँ पर मेरे को लोगों की दिख रहा है, जैसे यू गाइज आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, राइट. बात नहीं कर रहे हो, आपने कॉन्शियसली अकेले रहने का चूज किया है, या ये पर्सन बात नहीं कर रहा, या कुछ इस तरीके की सिचुएशन, जैसे दोनों अपनी अपनी लाइफ्स को लीड कर रहे हैं. ओके, या मेजॉरिटी एनर्जी इज दिस. लेट्स सी बाकी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और गॉड्स हमें बताना चाहते हैं और इस कनेक्शन के बारे में. The thinking woman, yes, आप लोगों को जो majority यहाँ पर है, आप लोगों की, आप लोग सोचते बहुत हो एक दूसरे के बारे में, right? And especially यहाँ पर जो issues है ना, वो इस तरीके की बातें होती होंगी, मुझे अपना career बनाना है, मुझे you know पैसे कमाने हैं, मुझ पर responsibilities है, मुझे बहुत abundant life जीनी है, मुझे luxuries चाहिए life के अंदर, मुझे success चाहिए, मुझे growth चाहिए, तो मेरे पास you know I don't have the time to deal with all this right now, या अभी मेरा ये focus नहीं है, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, या अभी मैं ऐसे नहीं रह सकता, अभी मेरा ध्यान कहीं और है, मुझे कुछ पॉलिश करना है. और आप लोगों में बहुत बातें ना अनसेड रह जाती है, आप लोग हर चीज बोलते नहीं हो, लाइक यू नो, तो सोचना बहुत, एक दूसरे को देखने की भी एनर्जी आ रही है, जैसे देखना और सोचते रहना लेकिन उस चीज से बात नहीं करना, राइट. और आप लोगों इस इंसान की जो लाइफ है ना, जो बाहर लोगों को दिखती होगी, अंदर से वैसी नहीं होगी इनकी लाइफ, राइट. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बाहर से इनकी लाइफ जो है, सी द वर्ल्ड फेल डाउन. ओके, सो बाहर से इनकी जो लाइफ है यू नो वो ऐसी दिखती होगी जैसे बहुत लग्जरियस है, अबंडेंट है, बहुत कुछ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होगा कि सीक्रेटली ऐसा नहीं है, कि क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है लाइफ के अंदर. दैट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर दिस पर्सन. ओके, लेट्स सी मोर. Five of Wands. Ace of Wands. Ace of Cups. Okay. The Moon. Bottom of the deck energy is the Moon. Okay.
लिव योर पैशन, डीप कॉन्टेम्पलेशन, ट्रू लव. ओके, ऑल राइट. यस, काफ़ी 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 मेजॉरिटी यहाँ पर लोगों के लिए मुझे दिखाया जा रहा है. जैसे आप लोग बहुत सोचते हो, यू नो, जैसे रात भर सोचते हो, नींद नहीं आती चीज़ों को लेकर. ये पर्सन भी बहुत सोचता है, बहुत यू नो, जो जो लोग यहाँ पर जानते हैं, यू नो, एक दूसरे को जो पूछ रहे हैं, ये पर्सन के माइंड पे भी आप हो. ये पर्सन भी सोचता है चीज़ों के बारे में. बट मुझे बहुत एक पर्सन पे जैसे बहुत एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी दिख रहे हैं. जैसे बहुत कुछ है करने को, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत कुछ फेस करके आगे आना है. बट इस कनेक्शन में ना कुछ टूट के दोबारा रीबिल्ड होना, इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही है, राइट? एक नया स्टार्ट होना, दोबारा से यू नो, जैसे आपको मैसेजेस आना, गाइडेंस आना, कुछ मैसेज आ जाना, सोशल मीडिया पे दिख जाना, नाम दिख जाना, या कुछ समथिंग स्टार्टिंग अगेन, ऑल ओवर अगेन, बिकॉज एक रीइग्नाइटेड फ्लेम दिख रहा है यहाँ पर. दोबारा से जैसे थिंग्स आर टर्निंग, एक बार सब कुछ बिखरने के बाद, एक बार टूटने के बाद, खराब होने के बाद, या नहीं बनने के बाद, एक फ्रेश स्टार्ट, एक साइकिल के बाद एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर मेरे को जैसे दिखाया जा रहा है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, मतलब दिस इज लाइक, यू नो, यू फील दैट दिस इज योर ट्रू लव, या दिस इज समबडी दैट यू नो, जिसकी जिस जो आपका ट्रू लव है, जो आपका ट्रू पार्टनर है, आपको ऐसा फील होता होगा. लेकिन मुझे यहाँ पे साइकिल्स दिखाए जा रहे हैं, साइकिल्स में जैसे कुछ चीजें यहाँ पर चली है. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर यू. लेट्स सी, और देखते हैं क्या एनर्जी आती है आप लोगों के लिए. ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. ओके, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस इन योर लाइफ. ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन. सी, देयर इज समथिंग अबाउट कॉन्वर्जेशन योर. ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. यहाँ पर ऑनेस्टी नहीं है, यहाँ पर बोला कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, फीलिंग कुछ और है, लेकिन वो बाहर आने तक यू नो, मुझे बहुत ईगो प्राइड दिख रही है, बहुत सोचना दिख रहा है, कवर अप दिख रहा है फीलिंग्स का यहाँ पर होता है. जो सच, जो ट्रू फीलिंग्स है वो नहीं बताई जाती, ठीक है, वो सोची जाती है, बताई नहीं जाती. इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, राइट? आप लोग अलग प्लेसेस से हो सकते हो, लाइक अलग जगहों पे रहते हो, दूर रहते हो एक दूसरे से. आप लोगों की बीच में किसी ग्रुप कम्युनिटी से आप मिले हो, किसी क्लास कोर्स यू नो, कोई कोई जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, इस तरीके की जगह पे आप मिले हो. इंटरनेट पे भी दिख रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे मिले हो, या आप लोग रहते हैं अलग डिफरेंट जगहों पर हो, लाइक बिल्कुल अलग जगह पर रहते हो, राइट? एंड आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई है, कुछ जिन लोगों की बात हुई है, दोनों यहाँ पर के बीच में कुछ यू नो, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज क्रिएट हुए हैं, राइट? लेकिन दोनों देख रहे हैं अब कि दोबारा कैसे स्टार्ट करें, अब दोबारा से ये कनेक्शन कैसे रीबिल्ड करें. इस टाइप की चीजें भी यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है. बट यू बोथ आर वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल, सो दोनों ही बात नहीं करते होगे यू नो, अबाउट योर फीलिंग्स, पहले वो करेगा या पहले मैं करूंगी. एंड कहीं ना कहीं प्रोसेस में ना आपको ये भी बोला जा रहा है दैट यू डोंट नीड टू बी नेगेटिव. अगर आपको क्योंकि आप लोग सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, ओके, बट यू हैव टू थिंक गुड, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव. नेगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करेगी आपकी लाइफ के अंदर. तो आपको अफर्म करना है बार बार दैट यू नो, फेथ रखना है दैट आपका यू नो, जो रोमांस है आपकी लाइफ में भी चीजें होंगी, थिंग्स विल वर्क आउट. और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट डू थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट. पैशन मत लूज करो, कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है. जैसे आपका ना वो जील चला गया लाइफ जीने का, उसको दोबारा जिंदा करने की जरूरत है यहाँ पर. ओके, सी, यू हैव नर्चर योर बिलीव एंड सक्सीड. आपको बार बार बोला जा रहा है बिलीव एंड सक्सीड. आपका कुछ, यू हैव समथिंग मैजिकल इन यू. ओके, सी, शेयर द लव, शेयर द लव. आई नो योर हार्ट इज ब्रोकन, आई नो यू हैव बीन अबैंडन्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन योर लाइफ. चीजें ईजी नहीं रही आप लोगों के लिए. जो आपका हार्ट शेल है, या आप जो चीजें नहीं बोलते हो, अपने हार्ट नहीं शेयर करते लोगों के साथ, उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि आपने पहले किया हुआ है
और उस चीज के लिए आपने इतनी बातें सुनी हुई है, दैट्स वाई आपने एक शेल बना लिया अपने आसपास, ठीक है। इसलिए आप हर चीज सोचते हो, आपको बहुत बार टोका गया, बहुत बार रोका गया, आपको बहुत बार चीजें बोली गई है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, दिस इज अ रीजन यू आर लाइक दिस। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, दैट प्रोसीड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बिलीव करो कि यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग ट्रू लव, बिलीव करो, अपने आप को नर्चर करो, डोंट वेट फॉर एनीबॉडी टू कम एंड नर्चर यू। आप लोगों में से यू नो मुझे वैसी वाइब्रेशन आ रही है जैसे वेट करना कि ये पर्सन आके मुझे खुश करेगा, ये पर्सन आके मेरे को चीजें करेगा, नहीं, आप अपने साथ यू नो उस मोमेंट्स को, लाइफ को इंजॉय करना सीखो, वो खुद ब खुद चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। एंड थोड़ा सा ना आप लोगों को अपने माइंड पे कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज कहीं पर भी जाते हैं थॉट्स आपके, और यही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे थॉट्स, तो उन चीजों को अट्रैक्ट भी कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। वो भी आप स्पिरिट गाइड्स मुझे दिखा रहे हैं, ओके। इनके इंटेंशंस देखते हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, जो भी पर्सन, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। वाओ, लुक एट दैट, यू हैव मैरिज ऑन द कार्ड्स, यू हैव अ यूनियन, यू हैव कमिटमेंट, सी देर आर लॉट ऑफ कार्ड्स हियर, राइट, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कमिट टू यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी देयर फॉर यू, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पर एक जर्नी दिख रही है, प्रोसेस दिख रहा है आप लोगों के लिए, ये पर्सन के इंटेंशन टूवर्ड्स यू इज बींग विद यू, इज गेटिंग मैरिड विद यू, झुकाव दिख रहा है इस पर्सन का, यू नो तभी इनको पुल होता जा रहा है, और आप इनको इनके परफेक्ट मैच लगते हो, यू नो परफेक्ट पार्टनर जैसा फील करते हैं ये पर्सन आपको, दैट दिस इज द पार्टनर, ओके, दैट आई कुड बी विथ, इस तरीके की चीजें मेरे को स्पिरिट गाइड्स दिखा रहे हैं, ओके। Obstacles and challenges. Throat chakra. आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे communication blocked है, see trapped in fear and power. यहाँ पर जो cards है वो बहुत clearly indicate कर रहे हैं that कुछ obstacles है जो आप लोगों को overcome करने हैं, उसके बिना नहीं हो पाएगा, और वो बात करना बहुत जरूरी है। आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, रुकी हुई है, या क्लियरली नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, समथिंग इज देयर, आप लोगों को थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आप लोगों को 555 बहुत दिखता होगा टू टेल यू दैट यू नो थिंग्स आर अबाउट टू चेंज, डोंट वरी, एंड 333 भी दिखता होगा आपको अगेन बोलने को दैट यू नो एसेंडेड मास्टर्स आर विद यू, आप किसी गुरु या एसेंडेड मास्टर से बहुत डीपली कनेक्टेड हो, उनकी पूजा करते हो, वो आपको बार बार मैसेजेस देते हैं रीअश्योरेंस का, एवरीथिंग इज फाइन, मुझे ऐसे दिखाया जा रहा है, आपको बोलते हैं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, डरो मत, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल आपको बोला जाता है, और आपको डीप गाइडेंस आती है, आपको सिर्फ वो, आपको वो समझने की जरूरत है बस, आपको ये यहां पर बोला जा रहा है, ओके। आप लोगों की बात होगी, यू गाइज विल टॉक, अगर जिन लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, बात होगी, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आगे मुझे वो क्लियर होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट एक्शन में दिख रही है। डार्क थॉट्स, यस, यहाँ पर आई एम टेलिंग यू नो टाइम एंड अगेन आई एम पिकिंग अप अ वेरी हैवी एनर्जी, जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है द लविंग मैन, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ यू नो जैसे कुछ बात करने की जरूरत है आपस में, एंड वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज जो पर्सन है ना, जो आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी लविंग, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, ओके। सो जब आप बात करोगे और जब आप अपना पॉइंट सामने रखोगे, या आप लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप है या बात नहीं हो रही है, जो वट एवर इट इज, वो जब आप खुल के बताओगे कि इशू क्या है ना, तो ये पर्सन खुशी खुशी ठीक हो जाएगा, लाइक यू नो पर्सन वो ये सिचुएशन रिलीज होकर यू नो एक नॉर्मल इसी रिस्टोर हो जाएगी, वो मुझे दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ओके। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सी अभी इमीजिएट फ्यूचर में आपका मैं नहीं बोलूंगी कि आपका सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा, नहीं, अभी हीलिंग का टाइम है, ओके। तो अभी
आपको यू नो थोड़ा टाइम ऑफ जाएगा आप दोनों का, मेरे को नो कांटेक्ट दिख रहा है, बट फिर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आपकी ये चीज जो अटकी हुई है वो आपका कुछ क्लियर होगा, आप लोगों की या तो बात होगी, मैसेज आएगा, कॉल होएगा, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ क्लियर होएगा, एक कॉन्वर्जेशन हो जाएगी, बट वो कंप्लीटली एक यू नो उसका कंक्लूजन कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो जाए वो अभी नहीं दिख रहा है, अभी वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं दिख रहा है, उसमें थोड़ा मेरे को यू नो विल हैव टू सी मोर कि व्हाट आर दे वांटिंग टू से, बट यस अभी यहाँ पर देर आर सम थिंग्स. अच्छा, इस पर्सन को ना कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस कंट्रोल करता है. ओके, मतलब ये बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, जिनकी बातें सुनकर ये ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं, या इनको किसी ने बोला है कि डोंट टॉक, या फिर ये अच्छा नहीं है, कुछ आपकी बैक बिचिंग, बैक स्टैबिंग, कुछ कुछ तो आपके पीठ पीछे जाकर इनकी कुछ दिमाग में ऐसी बातें आती है आपको लेकर, जिसकी वजह से ये अनकंफर्टेबल हो जाते हो और फिर ये बात नहीं कर पाते, बट ये सब सिचुएशंस को हील होने की जरूरत है. ओके, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर फर्स्ट. ये अभी उसी थॉट प्रोसेस में अटके हुए हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट मैसेज डू दे हैव फॉर यू. ओके, वन मिनट, लेट मी सी. ओके, प्लीज डोंट मूव ऑन, लुक एट दैट, आई नीड मोर टाइम. मैं आपको वो ही बोल रही हूँ. सी, ये पर्सन अंदर से दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे, उनको टाइम चाहिए, दे आर हीलिंग फ्रॉम थिंग्स टू. ओके, सो दैट इज वॉट दे वॉन्ट यू टू नो. आई नो यू वॉन्ट फील द सेम. कुछ हुआ आप दोनों के बीच में और इनको लगता है दैट आपकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाएगी, आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना लोगों के बारे में बहुत सोचता है, ये इनको दूसरे लोगों का ओपिनियन, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, मेरे आसपास के लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो बहुत मैटर करता है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों के कि यू नो लोग क्या बोलेंगे, मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, यू नो इस तरीके की कुछ चीज़ें. सो दे आर नॉट कम्प्लीटली इन द रेडी स्टेट इज वॉट आई कैन सी योर टू कम एंड टॉक टू यू और टू कम एंड टेक दिस एनी फॉरवर्ड. ओके, सो दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू. Right? बट मुझे कुछ खत्म होने के बाद दोबारा शुरू होते हुए दिख रहा है, यू नो कुछ कुछ चीजें, एक साइकिल एंड होने के बाद दोबारा कुछ बनेगा, इसलिए आपको बोला जा रहा है प्लीज स्टे ऑप्टोमिस्टिक ऑल्सो अबाउट योर लव लाइफ. कुछ लोगों के लिए यहाँ बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है दैट इस पर्सन के साथ, इवन दो इनका थॉट प्रोसेस में मैरिज है, बट आप लोगों का ये मैरिज पार्टनर सबका नहीं दिख रहा है मेरे को. ठीक है, बहुत बहुत कम लोगों के लिए आपका कोई रिलेशन बनेगा इस पर्सन के साथ आगे जाकर. मोस्टली आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से हील होकर इनसे चैप्टर क्लोज करके आप आगे बढ़ो आपकी लाइफ के अंदर, यू नो बिकॉज समथिंग एल्स इज देयर फॉर यू, एक न्यू चैप्टर आपको किसी और के साथ लिखा हुआ है. तो इस तरीके की कुछ चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई जा रही है. ओके, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन व्हाट यू लाइक टू डू एंड स्टे ऑप्टोमिस्टिक. जस्ट बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग नॉट वंस, आई नो मेनी टाइम्स इन योर लाइफ, डोंट थिंक कि कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा लाइफ के अंदर, डोंट डू दैट. ओके, That's a very strong message that is coming up for you. So that was your reading, group number 2. कैसी लगी मुझे जरूर बताना. Do write in the comment section. I will be reading it. And yes, if you guys want to book your personal tarot card reading sessions, I will be available. You can do that. And मैं guidance के साथ remedies भी बताऊंगी आप लोगों को, अगर आपको लगता है कोई obstacles है life के अंदर या आप चीजों को overcome करना चाहते हैं, एक normal जिंदगी you know you want to live or you want to attract certain things into your life, वो हम spiritual remedies के through कर सकते हैं. So you guys can do that. All the links are given in the description box and I love you all so very much. Thank you so much for joining in, watching my videos, loving me so much. I will see you in my next video. Thank you so much. Till then.